आगरा में बेटे की शादी प्रेमी से ना करने का खामियाजा एक पिता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना, शादीशुदा महिला से प्यार पड़ा भारी, ससुराल में प्रेमिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पिता को ठहराया जिम्मेदार। सरफिरे आशिक ने प्रेमिका की मौत का लिया बदला। प्रेमिका के पिता को उतारा मौत के घाट। दिल दहला देने वाली इस वारदात को जो भी सुन रहा है दंग हो जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों शास्त्रियों के नाम तुलसीदास और मिथुन हैं। इनमें आरोपी मिथुन की मृतक धर्मवीर सिंह की शादीशुदा बेटी अंजलि से दोस्ती थी। आरोपी ने बताया कि वो अंजलि को बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन धर्मवीर ने अपनी बेटी अंजलि को उसकी ससुराल भिजवा दिया, जहाँ अंजलि की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मिथुन अंजलि की मौत के लिए धर्मवीर को जिम्मेदार मानने लगा और अंजलि की मौत की खबर सुनने के बाद उसने धर्मवीर की हत्या की योजना बना डाली। प्लानिंग के तहत उसने अपने दोस्त तुलसीदास की मदद से धर्मवीर को बुलाया और उसे खूब शराब पिलाई। इसके बाद चाकू से घोंपकर दोनों ने धर्मवीर की हत्या कर दी और उसके शव को नाले में फेंक कर ठिकाने लगा दिया गया। धर्मवीर जब अपने घर नहीं पहुंचा तो मृतक की पत्नी ने थाना सिकंदरा में मामले की शिकायत की। इसके बाद 9 फरवरी को थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नाले से धर्मवीर की डेड बॉडी बरामद की गई तो पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री के उलझे तारों को जोड़ा और वारदात का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों मिथुन और तुलसी राम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया। एसएसपी आगरा ने कहा कि वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 9 फरवरी को थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसे तत्काल कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पंचायतनामा के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर और शरीर पर जो घाव मौजूद थे उसको देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है, जिसके संबंध में मुकदमा थाना पर पंजीकृत कराया गया और इस ब्लाइंड मर्डर को अनावरण करने के लिए पूरी टीम लगी थी। आज उस टीम को इस घटना को कारित करने में संलिप्त दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन ऐसा भी प्यार क्या करना जिसमें घर परिवार ही उजड़ जाए। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी देखने को मिला, जहां सरफिरे आशिक ने सड़क में प्रेमिका के मौत के बाद प्रेमिका के पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।